अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ कायरो में, और अभी मैं जा रहा हूँ गीज़ा के लिए। और गीज़ा मुझे तो मैं तकरीबन 4-5 दिन से इधर कायरो में हूँ, और मैंने नहीं देखा कि अभी ये ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पे, और इस ट्रेन पे बैठ के नेक्स्ट स्टेशन पे जाके दोबारा हम उतरेंगे, ट्रेन चेंज करेंगे, और फिर उधर से हम गीज़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ये अंडरग्राउंड है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। मतलब मैं 4-5 दिन से कायरो में हूँ, तो मैंने नहीं देखा था और ना ही मुझे पता अभी तक चला था कि इतना बड़ा इनका रेलवे का नेटवर्क अंडरग्राउंड है। इस टाइम मैं मेट्रो ट्रेन के अंदर हूँ, और आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश नहीं है। इससे पहले एक ट्रेन गुजरी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रश नहीं है, और अच्छा है, और चीप भी है, सस्ती भी है। है जी, एक मेट्रो स्टेशन है सदात नाम से, हम सदात, ये देखें ये है इसका नाम, सदात मेट्रो स्टेशन पे उतरें, और इसके बाद दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे जो कि गीज़ा की तरफ जाएगी। इसके डिफरेंट रूट हैं, मतलब ये जो है ये ट्रेन गीज़ा की तरफ नहीं जाती, एक दूसरी ट्रेन है वो गीज़ा की तरफ जाएगी। ये ट्रेन आने वाली है, तो इसलिए अलार्म होना शुरू हो जाता है। पहले ये देखें, काफ़ी ये पुराना, और बहुत ही पुराना, काफ़ी नहीं काफ़ी पुराना ये जो सिस्टम है इनका ट्रेन का। ये देखें, एक और ट्रेन आ चुकी है, और काफ़ी काफ़ी लंबी ट्रेनें हैं, और ये इलेक्ट्रिकल हैं, मतलब बिजली पर चलने वाली हैं। ऊपर ये तारे हैं इसके, और ये पूरा सिस्टम इनका अंडरग्राउंड है। ये तो अभी मैंने ट्रेन चेंज कर लिया, और ये ट्रेन गीज़ा की तरफ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा शोर है क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रेन है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा